रिक्शा, ए रिक्शा, अरे तुझे बोल रहा हूँ रिक्शा, इधर आना भाई। ये तो मुझे ही रिक्शा समझ रहा है। अरे यार रिक्शा कितना ड्राइव लगा रहे, अरे तू तो खाली ऊपर से रिक्शा है, नीचे से नहीं है। काला किधर है? देखिए भाई साहब, बाप रे, देखिए भाई साहब मैं रिक्शा नहीं हूँ, मैं आपके लिए रिक्शा मंगा देता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? घर में। वाह चांगले, आपका नाम क्या है? पहले तू अपना नाम बता ना, तेरा नाम क्या है? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। इतना बड़ा नाम? आराम से भाई साहब, देखिए इतना बड़ा नाम नहीं है, मैं एड्रेस ही बता रहा था, मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े। वैसे आपने बताया नहीं आप कहाँ रहते हैं? बहरा है क्या? बोला ना घर पे। लेकिन तू कौन है यार, तेरा नाम क्या है? देखिए भाई साहब मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ कमाल है, आज सुबह से मुझे भिड़े ही भिड़ रहे। देर हो गई इनको तो। चल चल मैं हूँ। डर गई मैं। क्या हो गया? अरे देखना ये टेबल पे रखने का ये जग तो नीचे ही गिर गया। It's okay. सॉरी बड़ा, तेरी नींद बिगाड़ दी मैंने। नहीं आई डोंट वरी, वैसे भी मेरे पास तीन तीन गॉड गिफ्ट्स है। तीन तीन गॉड गिफ्ट्स? हाँ। क्या? पहली है कि मैं जो भी पढ़ती हूँ वो मुझे तुरंत याद रह जाता है। दूसरी कि आँख बंद करते ही मुझे नींद आ जाती है। चला बोरे। और तीसरी? तीसरी तो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे बढ़कर है। क्या बहुत बहुत स्पेशल और बढ़कर क्या? मेरे आई बाबा। भी हमारे लिए अनमोल गॉड गिफ्ट है। थैंक यू। अच्छा आई भाई, तुम्हें बाबा अभी तक आए नहीं? देखना इनको बहुत लेट हो गया, पर टेंशन की बात नहीं है, इनका फोन आया था, मनोज भाई के यहाँ से पैसे मिल गए तो वहाँ से निकल चुके हैं, तो आ जाए। ओके वेरी गुड। तू जा सो जा, कॉलेज जाना है ना सुबह। ओके गुड नाइट, आई लव यू। लव यू टू। अभी तक नहीं आए, फोन ही करती हूँ। क्यों नहीं लग रहा है? रिक्शा! ओ भाई साहब, वो बाइक थी, रिक्शा नहीं थी। अरे वो रिक्शा ही था यार, तू क्यों इतनी पीता है भाई? इतने भेटला और नका भेटू। हाँ अरे काय माणूस आहे हा, क्या कर रहा है ये आदमी? ये तो इधर ही आ रहा है। ये तो ड्राइवर मोबाइल पे लगा हुआ है। ओ भाई साहब टेम्पो आ रहा है, भाई साहब हटिए। अरे ये सुन, ये अरे बाप रे,
अरे उठो दे रहा बहरे हो गए थे हाँ, कब से चिल्ला रहा था कि टेम्पो आ रहा है टेम्पो आ रहा है, जरा देखो देखो, अगर मैं 2 सेकंड भी लेट होता ना तो तुम ऊपर चले जाते अभी। वैसे भी जान बचाने वाला ऊपर वाला होता है, मैं नहीं। नहीं देखो मेरी जान किसने बचाई, तुम ने, तो मेरे लिए ऊपर वाला तुम। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है ठीक, बस बस थैंक यू, बस बस। हां भाई, हां यार, तुम इतने हिल क्यों रहे हो यार? लगता है इस एक्सीडेंट ने तुमको हिला के रख दिया। बीपी नशा उतरा नहीं है। थैंक यू यार, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई यार, थैंक यू। तुम तो यमदूत हो यार। यमदूत नहीं बोलते हैं, देवदूत बोलते हैं। वही यमदूत, थैंक यू, थैंक यू। अरे थैंक यू, अरे बस थैंक यू, बस बस थैंक यू, हां हां हां, बस 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 बस, अरे थैंक यू यार, थैंक यू, काय चल रहा है? तुमने मेरी जान बचाई है। तुम कौन हो यमदूत? मैं वही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। आत्माराम तुकाराम भिड़े, आत्माराम यार, तुमको तो मैं जानता हूँ, हम लोग कई बार मिल चुके हैं, तुम हर जगह मुझे मिल जाते हो, तुम भगवान। इतने बड़े हादसे के बाद भी इसकी उतरी नहीं है अभी तक। सस्ताराम, सस्ताराम नहीं, आत्माराम। ओए सॉरी, आत्माराम। देखो तुमने मेरी जान बचाई, कैसे चुका? अरे 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 अरे, हलू हलू भाई, पहले सीधे खड़े रहो। ये देखो बैग भी ऐसे ही पड़ा है। अरे अरे इधर मेरा पर्स। अच्छा वो ध्यान गया मेरा, मेरे पर्स पैसे। तुम गायब हो जाते हो, भगवान हो यार। अरे बाप रे, मनोज भाई के पैसे। चश्मा कहाँ गया मेरा? अरे बोलो, एहसान कैसे चुकाओ? मेरा चश्मा ढूंढ कर मेरा एहसान चुकाओ। ओके, चश्मा चश्मा चश्मा। चश्मा कैसे निकाला? अरे तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया। कैसे टूटा? कैसे टूटा? अरे तुम्हारा पाँव मेरे चश्मे पे पड़ा, चश्मा टूट गया। कमाल है, कमाल है। अरे मेरे तुम्हारी जान बचाई, तुमने मेरे चश्मे की जान ले ली। कितना पैसा दूं? नहीं चाहिए मुझे चश्मे का पैसा। चश्मे का पैसा देने का भी नहीं है, मेरी जान बचाए उसका कितना पैसा दूं? अरे भाई मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। ये पकड़ो अपनी बैग। तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो एहसान कैसे चुकाऊं? कितना पैसा दूं? मैंने बोला ना मुझे पैसे नहीं चाहिए। देखिए मुझे जाने में देर हो रही है, मेरे घर पे मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। माधवी, बाप रे, उसे फोन करके। तुम्हारे पास 3-3 मोबाइल है? मेरा एक ही मोबाइल था जिसके टुकड़े हो गए 3। इंस्टॉलमेंट में लिया होगा। तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल टूट गया। क्यों इतनी पीते हो? इतनी क्यों पीते हो यार, तुम्हें देख के मुझे मेरी वाइफ की याद आ गई। पहले माँ याद आ गई, अभी वाइफ याद आ गई। वो भी ऐसे ही बोलती है, क्यों इतनी पीते हो यार। काम करो, तुम और मेरी वाइफ दोनों पियो, मतलब साथ में बैठ के नहीं, अलग अलग।
लेकिन पियो, तुमको पता चलेगा हम लोग क्यों पीते। अरे लेकिन इसी पीने की वजह से तुम मरते मरते बचे हो। मतलब तुमने मेरी जान बचाई। परत सुनो ना। थैंक यू यार, थैंक यू। अरे भाई क्या चाहिए, एहसान चुकाऊंगा मैं, क्या चाहिए तुमको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। अरे पस्ती राम। अरे बोलो यार। आत्मा राम। देखो यार मुझे एहसान चुका रहा है, बोलो ना कितना पैसा चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए। ओके, तुमको पैसा नहीं चाहिए, मुझको एहसान चुका रहा है। एक काम कर, आ जाओ इधर आ जाओ। अरे ये कौन सा तरीका है? अरे लेकिन, अरे अरे लेकिन ये कौन सा तरीका? अरे इधर आओ यार। अरे देखो मैं इधर खड़ा रहूंगा, तुम उधर रास्ते के बीच में खड़े रहो। अभी थोड़ी देर में एक टेम्पो आएगा, तुम हिलना नहीं है? मैं आवाज दूंगा, अरे अरे हटो हटो, लेकिन तुम वहां से हिलना नहीं, ठीक है? तो जैसे टेम्पो एकदम नजीक आ गया तो मैं इधर जम मारूंगा। और ऐसा तुम्हारा जान बचाऊंगा, एहसान पिट्टूस। अरे ऐसे ऐसे कोई एहसान चुकाता है? ये मंजूर नहीं है, लेकिन एहसान तो चुकाने का है ना। बोलो कितना पैसा दूं, कितना लाख दूं, अरे कितना करोड़ दूं, बोलो। ओहो लाख करोड़, तुम तो कुबेर के औलाद हो ना? अरे मैं कुबेर पति हूँ, मतलब करोड़पति, करोड़पति हूँ। अरे भाई तुमने मेरी जान बचाई तो ये करोड़ रुपया काम का है, वरना मैं अगर ऊपर चला जाता तो पैसा किस काम का है के? अब बोलो कितना पैसा दूं? नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर कुछ देने है तो रिक्शा दिला दो, मुझे घर जाना है। ओके रिक्शा खरीद के देता हूँ। रिक्शा, अरे रिक्शा टैक्सी खरीद के देता हूँ। रुको रुको भाई साहब, रुको 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 रुको। टैक्सी कैसे दी? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, इनको घर छोड़ना है। आइए आइए इधर, आइए आइए आइए, मैं तुम्हें घर पहुंचाता हूँ, चलो। अरे टेंशन मत लो यार, मैं ऐसे ही जीता हूँ ऐसे ही पीता हूँ, तो मेरा रोज का कार्यक्रम है, मैं चला जाऊंगा, फिकर मत। तो तुम्हें तुम्हारे घर का पता पता है ना? अरे बोला ना पता है यार, मैं चला जाऊंगा। जरा इनको प्लीज घर छोड़ देना। आओ बैठो बैठो। एक मिनट ये ब्रीफ केस पकड़ो। अरे क्या चाय पीने बैठो, अरे ऊपर बैठो। बाबा जाओ दे जाओ दे जाओ दे। हाँ सब अभी ये रखो। ये तुम रख लो। अच्छा ठीक है। इधर नहीं अपने पास रखो, इनाम इनाम। अरे भाई साहब मैंने आपकी जान इनाम के लिए नहीं बचाई है, वो तो मेरा फर्ज था। अरे रख लो यार रखो। अरे मुझे नहीं चाहिए भाई, रखो आप। अरे रख लो यार, खुशी से दे रहा हूँ, मेरी मेहनत की खून पसीने कमाई है, बहुत तरक्की करोगे। हाँ ठीक है नहीं चाहिए मुझे। अरे रख लो यार, तुम्हारी वाइफ बदल जाएगी। आईते? अरे लाइफ लाइफ बदल जाएगी, फैमिली की लाइफ बदल जाएगी। मेरी फैमिली की लाइफ अच्छी है, मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। अरे रखो यार, अरे मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। अरे चलो ड्राइवर बोरी वाली वेस्ट। नहीं नहीं ओ अरे नहीं नहीं अरे 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 मुझे इनाम नहीं चाहिए भाई।
सोने की बिस्किट। लेट हो गया आज। ड्राइव किया गया ना पर। अरे फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? लगता है इनके फोन की बैटरी डाउन हो गई। ओहो ये कहाँ रह गए ये? मनोज भाई के घर से तो कब के निकल गए हैं? ये मासा का वेट लग रहा है क्या? ये इनाम दिया है कि टेंशन दिया है? भगवान क्या मुसीबत है? सोने के बिस्किट वैसे इनाम नहीं चाहिए था, मैं इनाम नहीं दे सकता, मैं उसे वापस दे देता हूँ। लेकिन कहाँ दूँ, कहाँ रहता है वो किसको पता है? क्या करूँ क्या करूँ? बेटे शांत हो जा, ऐसे समय में दिमाग को शांत रखना चाहिए, शांत रहो। नहीं नहीं, एक सच्चे नागरिक की तरह तुम्हें ये सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। पुलिस स्टेशन नहीं जाता, कैसे जाऊँ? रिक्शा तो मिल नहीं रही है। ये टेंशन, ऊपर से रिक्शा नहीं। अरे वाह आई, रिक्शा रिक्शा। ओह सॉरी यार भाई साहब, मैंने क्या वो ठीक से देखा नहीं, मुझे लगा रिक्शा आ रही है ना। इस मैंने आपको हाथ दिया, सॉरी यार रुकिए। भाई साहब ये कॉस्मॉस हेरिटेज सोसाइटी एमजी रोड किस तरफ है? आश भाई साहब को पता जानना है। बहुत इजी है भाई साहब, यहाँ से आप सीधा जाएंगे ना तो एक आगे राइट टर्न है, वो राइट टर्न ले लीजिए, फिर आगे आपको एक गार्डन दिखेगा, वो गार्डन से थोड़ा सा नजदीक में हमारी सोसाइटी है, गोकुलम सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी से 5 बिल्डिंग छोड़कर आपको मिलेगी कॉस्मॉस हेरिटेज सोसाइटी। थैंक यू। मेरे ख्याल से आपको अभी रिक्शा नहीं मिलेगी। नहीं ना, आइए आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन आपको क्या मालूम मैं कहाँ रहता हूँ? अरे भाई साहब अभी तो आप बोले ना कि आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो। अरे हाँ सॉरी, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ रुक जाओ भेड़े, क्या कर रहा है? कभी किसी अंजन का भरोसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब सॉरी, मुझे अभी याद आया कि मुझे अर्जेंट काम से कहीं और जाना है, मैं अभी घर नहीं जा रहा हूँ, तो आप जाइए कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू। ठीक है जैसे आपकी मर्जी। ओके ओके। हे रघु, राजा नाम है अपुन का, राजा अपुन से पंगा लेगा ना भारी पड़ेगा उसे। ले लेंगे ना कल पैसा, काय को परेशान हो रहा तू? अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल गुंडे जैसे दिख रहे हैं। दो पैक ज्यादा मार लिया तो बहुत आवाज कर रहे हैं। अरे देवा आप तो काय करो, अचानक करोड़पति बने भिड़े को भाई ये कैसी स्कीम मिली? इतनी खुशी मिली, इतना सोना मिलने की, साथ में टेंशन फ्री। ऐसे जिंदगी में धन जब भी आता है टेंशन लेके ही आता है, लेकिन इस वक्त भिड़े को अपना ये सोना मिलने की खुशी तो शायद मिली है या नहीं मिली है, लेकिन सामने ये दो टपोरियों का टेंशन जरूर मिल गया। क्या करेंगे भिड़े? भिड़े जो हमेशा सिद्धांत पे चलते हैं, सिद्धांत की राह पे चलने वाले भिड़े इस वक्त पुलिस स्टेशन की राह पर है, लेकिन अब पुलिस स्टेशन पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते? भाई अंधेरी रात है, सुनसान नगर है, डरावना माहौल है, भिड़े अकेले है, हाथ में करोड़ों का सोना है और सामने दो टपोरी है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भिड़े? क्या बच पाएंगे इनसे? भाई एक बार शायद बच भी जाए, लेकिन अभी रात बहुत लंबी है और गोकुलधाम सोसाइटी और पुलिस स्टेशन दोनों ही बहुत दूर है। अब देखना ये होगा क्या करते हैं फंसे हुए, वो इस वक्त अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसे हुए, क्या वो बचते हैं क्या निकल जाते हैं, और अगर बचते हैं तो किस तरह से बचते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.